सूत्रों से हमें जानकारी मिली आवाज से जुड़ना उसके मुताबिक ईवीएम लेकर आ रहे थे, गाड़ी खराब हुई चुनाव आयोग की, वहाँ रोके रुके वो लोग और उसके बाद जो है एक दूसरी गाड़ी आती है जिसकी जानकारी पोलिंग पार्टी को नहीं होती है कि बीजेपी विधायक की पत्नी की के नाम पे ये गाड़ी है, उस पर ये बैठ कर जाते हैं, जल्दीबाजी में थे, बीच में इन्हें रोका जाता है स्थानीय लोगों की तरफ से, भीड़ हिंसात्मक भी होती है और आरोप लगाते हैं क्योंकि स्थानीय लोग जानते हैं कि किस विधायक की कौन सी गाड़ी है, इसलिए इस गाड़ी को रोका गया, भीड़ हिंसात्मक हुई तो तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी और स्थानीय पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और तो कुल मिलाकर देखिए जहां इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही, चुनाव आयोग वहां पर भी कार्रवाई करी, आज रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही किस तरीके की कार्रवाई होगी वो देखना होगा। अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित, 11 बजे कूच बिहार में रैली है अमित शाह की, क्या खास तैयारी उसके लिए की गई है और इसके साथ ही साथ ये भी बताइए।